Analysis. हर राजनीतिक पार्टी की गाड़ी चंदे के ईंधन से चलती है। किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है, उसकी कितनी कमाई है, कितना बैंक बैलेंस है, ये तमाम सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बैंक बैलेंस के नाम पर फिसड्डी है? क्या आप भरोसा करेंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बैंक बैलेंस में क्षेत्रीय पार्टियों से भी काफी पीछे है? चुनाव आयोग को पार्टियों ने जो अपने बैंक बैलेंस की जानकारी दी है, उससे हैरानी भरे खुलासे हुए हैं। बैंक बैलेंस के लिहाज से टॉप पर है मायावती की पार्टी बीएसपी। बीएसपी ने अपना बैंक बैलेंस 669 करोड़ बताया है। बैंक बैलेंस के हिसाब से दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी, जिसके खातों में 471 करोड़ रुपए जमा है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आती है, जिसने चुनाव आयोग को बताया है कि उसके बैंक खातों में 196 करोड़ डिपॉजिट हैं। बैंक बैलेंस की लिस्ट में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी चौथे नंबर पर आती है, जिसके खातों में 107 करोड़ हैं। हैरानी की बात यह है कि बैंक बैलेंस के मामले में बीजेपी पांचवें नंबर पर है, जिसने अपने खातों में 82 करोड़ ही होने की बात कही है। राजनीतिक दलों के इनकम टैक्स रिटर्न की पड़ताल करने से उनकी कमाई का खुलासा होता है। एडीआर ने पार्टियों के इनकम टैक्स रिटर्न का विश्लेषण किया है, जिससे पता चला कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में बीजेपी की कमाई 1034 करोड़ रुपए थी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमाई 225 करोड़ घोषित की है। वहीं बीएसपी ने 2016-17 में 174 करोड़ की आय होने की बात कही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बीजेपी और बीएसपी ने अपनी कमाई घटने का दावा किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में बीजेपी ने अपनी आय 1027 करोड़ रुपए घोषित की है, वहीं बीएसपी ने अपनी इनकम महज 52 करोड़ बताया है। हालांकि कांग्रेस ने 2017-18 में हुई अपनी कमाई अभी घोषित नहीं की है। जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे साफ है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी कमाई तो काफी है, लेकिन कमाई के लिहाज से बैंक बैलेंस नाम मात्र ही है। तो वहीं कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनकी कमाई तो बड़ी पार्टियों के मुकाबले कम है, लेकिन बैंक बैलेंस में वो बहुत आगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।